मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं, गद्दार नहीं है हम लोग, गद्दार नहीं है। आपने अराकीन कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है, और मुझे, मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं, और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा, अब दूंगा, कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हो गए जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा था मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पर आगे राज खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाता रहे, जाली खत है वो, जाली को जाली खत है, लिखाया गया वो खत असद साहब से, और शाह महमूद कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रहने दो, चुप 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 रहने दो, चुप, और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की, तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो, हटा के देखो, तुम्हारा पाप भी हटा, तुम्हारा पाप भी हटा नहीं सकता, हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा हुआ है ना, डेंटिस्ट एमानवे सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो दादा यही करना छोड़ दे, और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं खासतौर पर, जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिला हूं।